विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए यूं तो हर दिन हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन नागपंचमी के दिन महाकाल मंदिर के शिखर के मध्य में स्थित नागचंद्रेश्वर के दर्शनों को करने के लिए श्रद्धालुओं को साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि यह मंदिर साल में केवल एक बार नागपंचमी के दिन ही खुलता है तथा इस दिन लाखों लोग भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं द्वारा आनंद और उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रतिवर्ष लाखों आने वाले श्रद्धालु को इस बार मंदिर में प्रवेश नहीं मिला और ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था मंदिर समिति ने की। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, परंपरागत तरीके से अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि वर्ष में एक दिन भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं नागपंचमी के पावन पर्व पर। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सब लोगों ने हमारे आदरणीय प्रशासक महोदय भी उपस्थित थे और अन्य भी साधु संत जो भी उपस्थित थे, सब ने मिलकर के भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले हैं और जो षोडशोपचार पूजन की परंपरा है उसका परंपरा का निर्वहन करते हुए विधिवत पूजन अभिषेक भगवान का हुआ है। जो गाइडलाइंस शासन प्रशासन ने निर्धारित की है उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए, क्योंकि परंपरागत जो पूजा होती है त्रिकाल पूजा वो यथावत होगी, भोजन प्रसाद भंडारे की जो भी व्यवस्था होती है वो सारी यथावत रहेगी, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करते हुए सभी श्रद्धालुओं से मेरा एक आग्रह है, सब लोग अपने घरों में बैठ करके ऑनलाइन भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान नागचंद्रेश्वर आप सबके जीवन में अनंत खुशियां प्रदान करें, समस्त दोषों का दमन करें। जय श्री माता। प्रतिमा की क्या खासियत है? ये जो विग्रह है आपने देखा होगा अक्सर घरों में विग्रह होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष सैया के ऊपर विराजमान होते हैं, लेकिन ये एकमात्र विग्रह देखने को मिलता है जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार शेष सैया के ऊपर आपने देखा होगा सप्तफन लगे हुए, इस तरीके का ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत और अद्वितीय विग्रह है, इसलिए इसकी मान्यता। क्या कारण है कि साल में एक बार ही उज्जैन? इसकी कई सारी किंवदंतियां कथानक हैं तो वो हम विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे कथानक हैं जिनके कारण कभी अगर आपको आवश्यकता लगे हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। सर जैसा कि आपको विदित है कि आज नाग पंचमी का पर्व है और महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर है वो साल भर में एक बार खुलता है, आज ये खोला गया है। यहाँ पे महंत जी इसके प्रधान है जिन्होंने यहाँ पे एक गरिमामय तरीके से पूजा संपन्न करी है। जहाँ तक बात आम दर्शनार्थियों की है तो आम दर्शनार्थियों के लिए चूँकि कोविड प्रोटोकॉल है, ऐसी स्थिति में आम दर्शनार्थी के दर्शन प्रतिबंधित है कोविड के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से, और बाकी जो आम दर्शनार्थियों को दर्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन या टेलीविज़न के माध्यम से या प्रसारण के माध्यम से आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान के दर्शन श्री नागचंद्रेश्वर के आमजन को होंगे। यह भी है कि एक महाकालेश्वर भगवान के जो नियमित दर्शन होते हैं वो अलग से प्री बुकिंग के आधार पर हम लोगों ने करे हैं, इसकी जानकारी आपको दी गई है, और ये रेगुलर दर्शन जो होंगे सुबह 5 बजे से 9 बजे तक के होंगे। सर अगर इसमें कोई VVIP आता है तो वो क्या नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन कर पाएगा? देखिए मैंने जैसा आपको बताया है कि हमने यथासंभव को ये प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नया, हम सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो दूर से बाबा के दर्शन करें। धन्यवाद। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।